बिजली बोर्ड में रिटायर कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान नहीं हो पा रहा है। करीब 8 माह से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी अपने भुगतान का इंतजार कर रहे हैं। ये अदायगी बिजली बोर्ड की तरफ से होनी है, लेकिन कर्मचारियों की कमी की वजह से भुगतान फंस रहा है। बोर्ड में कर्मचारियों की कमी को इसकी बड़ी वजह बताया जा रहा है। अब इस लंबित भुगतान पर उगर रिटायर कर्मचारियों ने बोर्ड प्रबंधन को 15 दिन की मोहलत दी है। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड पेंशनर फोरम ने कहा है कि आगामी 15 दिन में उनकी पेंशन और लंबित मेडिकल बिल के भुगतान का प्रावधान न किया तो सभी पेंशनर्स उग्र आंदोलन पर उतर आएंगे। बता दें कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की बोर्ड के पास करीब 8 महीने से पेंशन और बिल लंबित है और इस वजह से पेंशन धारकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ENTV। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए ENTV के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें।